नमो बुद्धाय। आज हम लोग सीखेंगे मध्यम निकाय में एक सुंदर सूत्र उपदेश है। ये सूत्र उपदेश का नाम है महाचत्तारीसक सूत्र। ये सूत्र उपदेश से तथागत ने विस्तार करता है आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में तथा अरहंत लोगों के पास जो और दो गो अंग है, सम्मा ज्ञान एवं सम्मा विमुक्ति। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग एवं सम्मा ज्ञान सम्मा विमुक्ति के बारे में बताया गया। ये 10 अंग के बारे में बताया गया सूत्र। इसमें तथागत एक अंग 4 प्रकार के हिसाब से, 10 अंग 40 प्रकार से बताया दिया समझाए। इसका मतलब अरहंत लोगों के पास ये जो 10 अंग है, ये 10 अंग विस्तार होता है ये 44 सूत्र से। भगवान बुद्ध जी सूत्र उपदेश बताए हैं श्रावस्ती में, जेतवनाश्रम में। हम लोग जानते हैं भगवान बुद्ध की जन्म बहुत मुश्किल से ये धरती को मिल जाता है। निर्वाण की रास्ता के बारे में, 4 आर्य सत्य के बारे में, बोझंग धर्म के बारे में, 4 सतिपट्ठान धर्म के बारे में, 37 बोधिपाक्षिक धर्म के बारे में, ये सब कुछ ज्ञान के बारे में बहुत ही समय बाद मुश्किल से सुनाई देता है। तथागत भगवान बुद्ध की शासन में सिर्फ ये सब कुछ सुनाई देता है, बाकी कुछ भी समय में कुछ भी जगह पे ये ज्ञान की बात सुनाई नहीं देता है। तो भगवान बुद्ध की ये धर्म जैसा तैसा सुन के खत्म करने वाली चीज नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध की धर्म सुन के याद रखे वो प्रयास करके अवबोध करना पड़ता है। भगवान बुद्ध के धर्म में सील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, विमुक्ति ज्ञान दर्शन के बारे में बात करता है। सिर्फ भगवान बुद्ध के धर्म में ही पारिशुद्ध सील के बारे में विस्तार होता है, और संसार में किसी भी धर्म में इतना ही पारिशुद्ध प्रकार से सील के बारे में विस्तार नहीं होता है। भगवान बुद्ध के धर्म में सिर्फ आर्य समाधि के बारे में विस्तार होता है। उनकी धर्म में पारिशुद्ध समाधि के बारे में विस्तार होता है, बाकी कोई भी धर्म में ऐसा समाधि के बारे में विस्तार नहीं मिलता है। सिर्फ भगवान बुद्ध के धर्म में ही प्रज्ञा के बारे में, ज्ञान के बारे में परिपूर्ण विस्तार मिल जाता है। इतना ही पारिशुद्ध प्रकार से प्रज्ञा के बारे में विस्तार आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे है तो भगवान बुद्ध की धर्म सील से नहीं रुकता है, समाधि से नहीं रुकता है, प्रज्ञा से पूर्ण होके विमुक्ति ओर से जाता है। ऐसे है तो हम लोग ये जो शरण गए कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। मानव जीवन संपूर्ण रूप से सील, समाधि, प्रज्ञा से विमुक्ति ओर से ये धर्म से ले जाता है। तो भगवान बुद्ध ने बताया आपको आर्य समाधि बता दूंगा। कौन सा समाधि? आर्य समाधि। हेतु सहित, हेतु सहित, उपकार धर्म सहित आर्य समाधि। ये बताते हैं अरहंत लोगों का समाधि के बारे में। भगवान बुद्ध आर्य समाधि के बारे में विस्तार करते हैं। ये आर्य समाधि को 7 उपकार धर्म होता है। ये आर्य समाधि को उपकार धर्म कितना होता है? 7 होता है। वो है सम्मादिट्ठि, सम्मा संकप्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत,
सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति। ये अंग से परिपूर्ण समाधि को कहता है आर्य समाधि। ये अंग से युक्त जो समाधि को प्राप्त करता है वो अपने जीवन को संपूर्ण करता है। भगवान बुद्ध ने बताया ये सब कुछ में ये सारी चीज का कारण होता है सम्मादिट्ठि। क्या कारण होता है? सम्मादिट्ठि। आपको याद होगा भगवान बुद्ध ये सम्मादिट्ठि उदाहरण बना दिया सुबह उगने वाले सूरज को। सूरज उगने के पहले आसमान में हल्का रंग का सुंदर रोशनी है। सूरज उगने के पहले पूरब साइड में वो सुंदर लाल पीला जैसा रंग का रोशनी निकलता है। वो रोशनी देखने के बाद हमें समझ में आता है अभी कुछ देर में सूरज उगेगा। वैसे ही है सम्मादिट्ठि। ये सम्मादिट्ठि मतलब क्या है? चार आर्य सत्य के बारे में ज्ञान, अवबोध का ज्ञान। उसी जगह से परिपूर्ण संपूर्ण मार्ग शुरुआत होता है। भगवान बुद्ध ये उपदेश से बताया आर्य अष्टांगिक मार्ग का लौकिक एवं लोकोत्तर दो प्रकार से विस्तार होता है। भगवान बुद्ध विस्तार कर देते हैं सम्मादिट्ठि के बारे में। यही है सम्मादिट्ठि। इसके लिए सम्मादिट्ठि शुरुआत होता है। जिसके पास सम्मादिट्ठि है वो मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि जैसा पहचानता है। ऐसे है तो मिथ्या विश्वास, मिथ्या दृष्टि सम्मादिट्ठि से अलग करके देख सकता है। किनको? जिनके पास सम्मादिट्ठि है उनको। जिसके पास सम्मादिट्ठि है वो हर एक चीज अच्छी तरह से समझ लेता है। कैसे समझ लेता है? भगवान बुद्ध मिथ्या दृष्टि के बारे में विस्तार करते हैं। कैसे है? लोग सोचते हैं, मिथ्या दृष्टि वाले लोग, दान का कोई फल नहीं है, उपकार करने से, सेवा करने से कोई फल नहीं मिलता है, पुण्य और पाप का पाप है ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इस जन्म नहीं है, अगले जन्म नहीं है, माँ को सेवा करने का कोई फायदा नहीं, पिताजी को सेवा करने से कोई पुण्य नहीं मिलता है, औपपातिक प्राणी नहीं है। औपपातिक प्राणी मतलब बिना माँ से, बिना पेट से जन्म होता है, जैसे कि ब्रह्म, देवता, नरक का जन्म, भूत प्रेतों का जन्म, असुर का जन्म, ये कुछ भी जन्म के बारे में विश्वास नहीं करता है। और ये विश्वास नहीं करता है कि अपने से ये जीवन के बारे में समझ के ज्ञान प्राप्त किए हुए साधु संत के बारे में विश्वास नहीं करता है। वो क्या है? मिथ्या दृष्टि से ये सब कुछ होता है। ये सब कुछ मिथ्या दृष्टि है। कोई कोई लोगों को नरक के बारे में बताया तो विश्वास नहीं करता है। प्रेत भूत का जन्म के बारे में बताया तो विश्वास नहीं करता है। देवता जन्म के बारे में बताया तो विश्वास नहीं करता है। पूछता है ये सब कहाँ होता है? देवलोक यहाँ है। जो सुख भोगता है वो देवता है, जो दुख भोगता है वो नरक है। ऐसे लोग बोलता है मिथ्या दृष्टि। जो सम्मादिट्ठि में आता है वो मिथ्या दृष्टि को पहचानता है। पहचान के मिथ्या दृष्टि को वो दूर कर देता है। और एक मिथ्या दृष्टि है, लोग मानते नहीं है, ये लोभ, क्रोध, मोह, नफरत, ईर्ष्या, घमंड इत्यादि सारे गंदगी को मिटा के अपना जीवन अवबोध किए हुए
ज्ञान प्राप्त किए हुए दुख से मुक्त को जो पाए उन साधु संत के बारे में कोई विश्वास नहीं करते हैं बहुत लोग। जब तक विश्वास नहीं करता है तब तक ध्यान नहीं देता है। देखिए मिथ्या दृष्टि का तरीका, अगर मिथ्या दृष्टि के लोगों को समझाने गया तो गुस्सा करके लड़ाई करेगा, सुनता नहीं है, सोचता नहीं है, समझने के लिए कोशिश नहीं करता है। एक सूत्र है भगवान बुद्ध की, देवदूत सूत्र। भगवान बुद्ध उसी देवदूत सूत्र में नरक के बारे में पूरा विस्तार बता दिया, यमराज क्या सोचता है वो भी बताया। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि में जो है वो नरक के बारे में विश्वास नहीं करता है, बोलता है नरक कहाँ होगा, अब तक विज्ञानी लोग नरक को नहीं देखे हैं। इसका मतलब इन लोगों को, वैज्ञानिक लोगों के बारे में विश्वास है लेकिन ज्ञानी लोगों के बारे में विश्वास नहीं है। मिथ्या दृष्टि का तरीका यह है। लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया सम्मा दिट्ठि जिसके पास है वो ये सब कुछ पहचान लेता है। सम्मा दिट्ठि दो प्रकार का है, एक है सासवा पुण्य भाग्या उपदिवे पाका, इसका मतलब गंदगी है लेकिन पुण्य बना देता है, भविष्य में सुख मिल जाता है। वो क्या है गंदगी, मतलब क्लेश है। वो विश्वास करता है दान देने से पुण्य मिलता है, और विश्वास करता है ध्यान साधना करने से, दूसरों को सेवा करने से पुण्य मिलता है, पुण्य और पाप का फल मिल जाता है। पाप करने से दुख भोगना पड़ता है, पुण्य करने से सुख मिल जाता है। और ये विश्वास करता है इसी जन्म के बारे में, और वो मानता है अगले जन्म भी होता है। कर्म के अनुसार जो पाप करता है वो दुख भोगता है, जो पुण्य करता है वो सुख भोगता है, विश्वास करता है। जो कुछ पुण्य करता है उसी पुण्य के अनुसार अपना जीवन सार्थक होता है। तो उनको पूरा विश्वास है माँ को सेवा करने से पुण्य मिलता है, पिता को सेवा करने से पुण्य मिलता है। अपना जीवन को समझकर जो ज्ञान प्राप्त हुए ऐसा साधु संत संसार में है, विश्वास करता है। इनको ये ज्ञान की रास्ता पे जाना बहुत ही आसान है। वे लोग अरहंत लोगों ने जो कोई उपदेश दे दिया या तथागत भगवान बुद्ध जो बता गया धर्म वो समझ सकता है। भगवान बुद्ध की धर्म सुन करके उस धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न करता है, सोचता है ये सत्य है, इसी प्रकार से हो गया तो हम लोग को दुख से मुक्त हो सकता है। औपपातिक जन्म के बारे में विश्वास करता है, देव जन्म होता है, ब्रह्म जन्म होता है, नरक में जन्म होता है, भूत प्रेतों का जन्म होता है, असुर का जन्म होता है, विश्वास करता है। उसी को कहता है सम्मा दिट्ठि। वो सम्मा दिट्ठि जिसके पास है उसी को भविष्य में सुख फल मिल जाता है। जिसके पास सम्मा दिट्ठि है वे लोग दान देते हैं, सील सुरक्षा करते हैं, मैत्री करुणा से युक्त होते हैं। इसके बाद वो अपना जीवन अच्छा से बिताते हैं, गलत ढंग से नहीं, धार्मिक जीवन बिताते हैं। कौन? जिसके पास सम्मा दिट्ठि है वो। भगवान बुद्ध ने बताया
और एक सम्मादिट्ठि है, ये सम्मादिट्ठि सीधा निर्वाण की ओर से जाता है, वो सम्मादिट्ठि है आर्य श्रावक। आर्य श्रावक मतलब भगवान बुद्ध के रास्ता पे जाने वाले भगवान बुद्ध की शिष्य। आर्य श्रावक का आर्य मन, आर्य रास्ता से जाने से प्रज्ञा मिलता है, ज्ञान मिलता है। वो क्या ज्ञान? चार आर्य सत्य के बारे में ज्ञान मिल जाता है। इसमें भगवान बुद्ध बताएं प्रज्ञा इंद्रिय के बारे में। प्रज्ञा इंद्रिय मतलब आर्य सत्य अपना जीवन के साथ मिल जाता है, मतलब प्राप्त करता है, जीवन से अलग नहीं कर सकता है। तो क्या होता है? इंद्रिय होता है। ये इंद्रिय और मजबूत होने के बाद कहता है प्रज्ञा बल, और बलवान होता है प्रज्ञा। कैसे? चार आर्य सत्य अवबोध करने के लिए, मनन करने के लिए जो बुद्धि को लगाता है उन्हीं को। ऐसे होने के बाद सम्मादिट्ठि, आर्य सम्मादिट्ठि उत्पन्न होता है। ऐसे हैं तो हम लोगों को ये सम्मादिट्ठि अंग हमारा जीवन में ले सकता है। भगवान बुद्ध ने बताया ये लोकोत्तर मार्ग अंग है। ये पहले हम लोग एक सम्मादिट्ठि के बारे में जाने हैं, पुण्य और पाप के बारे में विश्वास, सुख दुख के बारे में विश्वास, जन्म जन्म के बारे में विश्वास। वो लौकिक सम्मादिट्ठि, उसी सम्मादिट्ठि में जन्म जन्म में जाता है, सुख मिलता है लेकिन निर्वाण विमुक्ति नहीं मिलता है। दूसरा सम्मादिट्ठि है लोकोत्तर सम्मादिट्ठि, आर्य सत्य के बारे में समझना। इसी लोकोत्तर सम्मादिट्ठि से सीधा निर्वाण की रास्ता पे जाता है। ये लोकोत्तर मार्गांग से मिथ्या दृष्टि को संपूर्ण रूप से खत्म कर सकता है। क्या है? लोकोत्तर सम्मादिट्ठि से। ऐसे हैं तो लोकोत्तर सम्मादिट्ठि में रहकर मिथ्या दृष्टि को नष्ट कर सकता है। ऐसे करने के लिए उसको क्या चाहिए? वीर्य चाहिए। जिसको जिसके पास सम्मादिट्ठि है उनको वीर्य चाहिए। मिथ्या दृष्टि को खत्म करके सम्मादिट्ठि में संपूर्ण रूप से आ गया है ऐसा समझने के लिए उन्हीं को सती चाहिए। सती मतलब होश चाहिए। ऐसे है तो ये रास्ता पे एक साथ जाने वाले तीन अंग हैं। वो क्या है? सम्मादिट्ठि और सम्मावायाम। सम्मावायाम मतलब वीर्य कोशिश। इसके बाद सम्मा सती। सम्मा सती मतलब होश ध्यान। अब सम्मादिट्ठि जिसके पास है उन्हीं को वीर्य नहीं है तो गंदगी खत्म कर सकता है? उन्हीं को गंदगी कभी नहीं खत्म कर पाएगा। वीर्य नहीं है तो ध्यान कहाँ आएगा, होश में कहाँ आ पाएगा, नहीं कर सकता है। अच्छे से समझना चाहिए, इसी रास्ता को समझना चाहिए तो तीन चीज चाहिए, अवबोध, वीर्य तथा होश। ये शुरू में से ही है। भगवान बुद्ध की धर्म में कोई श्रद्धानुसारी हो गया तो, मतलब भगवान बुद्ध के बारे में श्रद्धा हो गया तो कुछ ना कुछ उनके पास वीर्य होता है, ध्यान होश है तथा प्रज्ञा भी है, बहुत से नहीं फिर भी है। अगर धम्मानुसारी हो गया तो, धम्मानुसारी मतलब श्रद्धा से भगवान बुद्ध के आर्य रास्ता को विश्वास किया, इसके बाद उसी रास्ता पे प्रयास करता है, उन्हीं को कहता है धम्मानुसारी। अगर धम्मानुसारी है तो, या इसके बाद सोतापन हो गया तो, सोतापन मतलब आर्य सत्य को समझ गया, उनको ये रास्ता में वीर्य ध्यान तथा ज्ञान है,
अगर कोई बताया तो नहीं। इसी रास्ता पे श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी जैसा लोगों को रह सकता है, सोतापन लोगों को रह सकता है। कैसा? लोग जानते नहीं हैं मेरे पास श्रद्धा है, लोग जानते नहीं मेरे पास ज्ञान है, मैं सोतापन हूँ, ऐसा लोग जानते नहीं, ऐसा लोग कह सकता है? ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध के रास्ता पे जाने के लिए शुरुआत होता है होश से, ध्यान से। अपने पास होश नहीं है तो, ज्ञान नहीं है तो, वीर्य भी नहीं है तो, उनको धर्म की रास्ता से आगे नहीं जा सकता। जो होश में रहता है, ध्यान से रहता है, उनका मन में अगर गंदगी कोई उत्पन्न हो गया तो, क्रोध लोभ जैसा कुछ आ गया तो, वो जानता नहीं है क्या मेरा मन में होश ऐसा गंदगी आ गया है? पक्का वो जानता है। ऐसे है तो दिमाग इस्तेमाल करके, ज्ञान की मदद से, वीर्य करके, बहुत बड़ा वीर्य से वो गंदगी मन से हटा सकता है। ये भी जानता है कि नहीं? जानता है। ऐसे है तो भगवान बुद्ध की रास्ता पे जो जाता है वो जान से ही जाता है, अज्ञान से नहीं। हर एक कदम जिस जो इसी रास्ता पे जाते समय प्राप्त होता है, वो हर एक कदम समझ के प्राप्त करना पड़ता है। क्योंकि अंधा जैसा इसी रास्ता पे नहीं जा सकता है। भगवान बुद्ध ने इसी सूत्र में बताया, मिथ्या दृष्टि को खत्म करने के लिए तीन कारण का मदद चाहिए। वो जो साथ में जाने वाले तीन कारण क्या है? सम्मादिट्ठि यानी कि ज्ञान, सम्मा वायाम यानी कि वीर्य, सम्मा सति यानी कि होश या ध्यान। इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, जिसके पास सम्मादिट्ठि है वो मिथ्या संकल्प को पहचानता है, सम्मा संकल्प भी पहचानता है। ये मिथ्या संकल्प क्या है? मिथ्या संकल्प है काम संकल्प, व्यापाद संकल्प, विहिंसा संकल्प। जो सामान्य जीवन बिताते हैं वे लोग ये काम लोक के बारे में ही सोच के मनन करते करते ये काम दुनिया में जीवन बिताते हैं। इसी संसार में ही मुकुट पहनते हैं। ये संसार है उन लोग का सिंहासन, उससे अलावा कोई विचार नहीं है। चाहिए टीवी देखना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, होटल से खाना खाना चाहिए, अच्छा अच्छा महंगा महंगा सुंदर कपड़ा पहनना चाहिए, सुंदर सुंदर घर द्वार बनाना चाहिए, उससे आगे उसका कोई जीवन नहीं है। लोग सोचते हैं हम लोग ये जो जीवन बिताते हैं उसी समय अच्छी तरह से खाते पीते, अच्छा से सुख भोगते रहना चाहिए। मरने के बाद कहीं गया था भी क्या होगा, मुझे क्या पता मरने के बाद जीवन के बारे में। ऐसा सोच के खाते पीते रहने वाले लोग इस संसार में है कि नहीं है? लोग कहते हैं किसी लिए ये ध्यान करना है, ये मुक्ति किसी लिए, कोई जरूरत नहीं, सील पालन करना पागल है क्या? ऐसा सोचने वाले लोगों कहता है काम संकल्प। तीन प्रकार के संकल्प बताए ना, पहला है काम संकल्प, दूसरा है व्यापार संकल्प, तीसरा है विहिंसा संकल्प। यही है काम संकल्प। काम भोगते भोगते रहता है, उससे अलावा कुछ नहीं सोचता है। लेकिन जिसके पास सम्मादिट्ठि है वे जानते हैं कि ये कौन सा संकल्प है। लेकिन जिसके पास सम्मादिट्ठि नहीं है वो नहीं जानता है। विहिंसा संकल्प के बारे में भी जानता है, व्यापार संकल्प के बारे में भी जानता है सम्मादिट्ठि वाले लोग। लोग सोचता है ये जो दिक्कत आया
जैसा तैसा नहीं करना चाहिए, मार देना चाहिए, काटना चाहिए, पीटना चाहिए, जान मार देना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, अच्छा से सिखाना चाहिए 2-3 बार मार के। ऐसा दूसरों के बारे में सोचता है विहिंसा संकल्प, दूसरों का हिंसा के बारे में हमेशा सोच के रहता है, उन लोग नष्ट हो, उन लोग बर्बाद हो, ऐसा दूसरों की हिंसा के बारे में हमेशा सोच के रहता है विहिंसा संकल्प। जिसके पास सम्मादिट्ठि है वो ये सब समझ सकते हैं। इसके बाद व्यापाद संकल्प, व्यापाद संकल्प मतलब क्रोध से रहता है, नफरत से रहता है, बदलाव लेने के लिए सोचता है, हमको एक दुख दे दिया तो हमको एक बार दुख, तुमको भी दुख दे देंगे, हमको एक गाड़ी दे दिया तो हम भी तुमको 2 गाड़ी देंगे, हम तुम हमसे एक बार लूट लिया हम भी तुमसे लूटेंगे, ऐसा करके व्यापाद मतलब क्रोध नफरत से ही रहने के लिए सोचता है, वो व्यापाद संकल्प है। सम्मादिट्ठि जिसके पास है वो व्यापाद संकल्प भी पहचानता है, वो व्यापाद संकल्प से दूर होता है, अव्यापाद संकल्प प्रयास करता है। अव्यापाद संकल्प मतलब मैत्री, करुणा, दया, ये प्रयास करता है। अहिंसा संकल्प प्रयास करता है, अहिंसा संकल्प मतलब दूसरों को कभी हिंसा करने के लिए सोचता नहीं है। ये भगवान बुद्ध की ज्ञान की रास्ता पे जो जाते हैं वे लोग बहुत कारुणिक होते हैं, क्योंकि वे लोग सोच सोच के अपना मन को शुद्ध करते करते इसी रास्ता पे जाना पड़ता है। ऐसे नहीं है तो इसी रास्ता पे जाना असंभव, नहीं जा सकता है। हम लोग खास करके याद रखना चाहिए, ये भगवान बुद्ध की धर्म की मार्ग में आगे जाना चाहिए तो हम लोग दूर करना चाहिए जलन। बहुत सारे लोगों के पास ये जलन होता है, जलते हैं बहुत लोग। सम्मादिट्ठि वाले लोग भगवान बुद्ध के धर्म की मदद से ये जलन पहचान के जलन हटाना चाहिए। देखिए हर एक लोगों का पुण्य और पाप का फर्क होता है, लाभ का फर्क होता है, सभी लोगों का रूप समान नहीं है, आवाज बराबर नहीं है, ये सब कुछ देख करके अगर हम लोग जलन करने गया तो हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ज्ञान से मनन करके मिथ्या संकल्प को दूर करके सम्मा संकल्प को प्रयास करना चाहिए। सम्मा संकल्प में 2 प्रकार होता है, एक लौकिक सम्मा संकल्प, दूसरा लोकोत्तर सम्मा संकल्प। लौकिक सम्मा संकल्प से सुख मिल जाता है, कल्याण हो जाता है। भगवान बुद्ध के उपदेश में है जो जलन नहीं करते हैं, दूसरों को हिंसा पीड़ा नहीं करते हैं, वे लोग अगर अगले जन्म में मनुष्य लोक में आ गया तो बहुत सारे लोगों को प्रिय प्रेमी बन जाते हैं, दूसरों को मन लगता है, अच्छा लगता है, प्यारी होता है। इसका कारण क्या है, जलन नहीं करना। जलन नहीं करने से अपना जीवन में बहुत लाभ होता है, कल्याण होता है। अगर जलन करेगा तो वो कोई भी लाभ तथा कल्याण होता ही नहीं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया ये सम्मा संकल्प का लोकोत्तर अंग वो क्या है। हम पहले आपको बताए हैं लौकिक सम्मा संकल्प वो क्या है, किसी को हिंसा पीड़ा नहीं करना चाहिए, दया करुणा करना चाहिए, जलन क्रोध नहीं करना चाहिए, तथा वो समझता है निकम्म संकल्प, काम संकल्प के बारे में वो सोचा ना, क्या सोचता था कि
ये दुनिया यही है, हम लोग जब तक रहेंगे तब तक खाते पीते रहेंगे, हम लोग कभी ये छोड़ेंगे नहीं, मरने के बाद क्या होगा, ऐसे सोच रहे थे ना, वो काम संकल्प। लेकिन उसका निकम संकल्प क्या है, समाधि वाले लोग सोचते हैं ये सब कुछ कभी भी छोड़ना पड़ता है, ये सब कुछ सदाकालिक नहीं है, ऐसे सोच के वो सब छोड़ने के लिए कोशिश करता है, त्याग के बारे में सोचता है। ये लौकिक सम्मा संकल्प है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए लोकोत्तर सम्मा संकल्प के बारे में, वो कैसा है। समाधि वाले लोग सोचते हैं ये आंख अनित्य है, विज्ञान अनित्य है, स्पर्श अनित्य है, दर्द महसूस अनित्य है, पहचान संज्ञा अनित्य है, चेतना अनित्य है, तृष्णा इच्छा भी अनित्य है, पटिच समुपाद का अंग याद करता है, पंच उपादान स्कंद याद करता है, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, ये पंच उपादान स्कंद ज्ञान से मनन करता है, यही है लोकोत्तर संकल्प सम्मा संकल्प। ये लोकोत्तर सम्मा संकल्प से आर्य मार्ग में सीधा जाता है, विमुक्ति ओर से सीधा जाता है, संपूर्ण रूप से मिथ्या संकल्प नष्ट कर सकता है लोकोत्तर सम्मा संकल्प से। ये मिथ्या संकल्प संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकता है किस पे आके, सम्मा संकल्प में आके। ऐसे है तो याद रखिए, हम लोग बुराई दूर कर सकता है अच्छाई में आके, बेहोश दूर कर सकता है होश में आकर के, अज्ञान से मनन करना दूर कर सकता है ज्ञान से मनन करने से, क्रोध को दूर कर सकता है मैत्री से। भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा ज्ञान से मनन करके सम्मादिट्टि से युक्त वो मिथ्या संकल्प को दूर करता है। मिथ्या संकल्प दूर करने के लिए सम्मा संकल्प अपनाता है, उसके लिए उसको चाहिए वीर्य। क्या चाहिए? सम्मा व्यायाम यानी कि वीर्य। ऐसे वीर्य करने से, वीर्य करने के बाद गलत विचार यानी कि मिथ्या संकल्प दूर हो जाता है, दूर हो के सही विचार पे सम्मा संकल्प में मन लग जाता है। अब सोचता है अब मेरा मन अनित्य में है, अब मुझे काम संकल्प नहीं आता है, हिंसा पीड़ा के बारे में नहीं होता है, ऐसे समझने से उनका मन रागी नहीं विरागी होता है। ऐसा समझने से होश में रहते हुए समझना चाहिए, बिना होश में रहते हुए कैसे समझ सकता है। ऐसे है तो तीन चीज हमेशा साथ में है, वो क्या है? समाधि यानी कि ज्ञान प्रज्ञा, सम्मा व्यायाम यानी कि वीर्य, सम्मा सति यानी कि होश या ध्यान। ये सब समझना चाहिए, समझ गया तो हम लोगों को बिना अवबोध से बिना वीर्य से बिना होश में ये कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया जो समाधि है वो मिथ्या वाणी को पहचानता है, सम्मा वाणी को भी पहचान सकता है। ये मिथ्या वाणी क्या है? झूठ बोलना मिथ्या वाणी है, मिथ्या वाचा, मिच्छा वाचा, चुगली करना मिच्छा वाचा है, कठोर बोलना मिच्छा वाचा, अल्तु फालतू यानी कि व्यर्थ बोलना मिथ्या वाणी है। ये समाज में अगर मिथ्या वाणी को रोक दिया तो उन लोग को बोलने के लिए और वचन और शब्द है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ना कोई बात किया तो बात करता है, कोई मतलब का शब्द नहीं, अल्तू फालतू।
लेकिन आप लोग ये सम्मा वाचा को पहचानना चाहिए। सम्मा वाचा को पहचान के मिथ्या वाचा से अलग होना चाहिए। ऐसे होने के बाद वो बात करता है सत्य, सत्यवाणी, सच्च वाचा। वो चुगली नहीं करता है, अपिसुना वाचा। इसके बाद वो प्यार से मीठा, प्यारी बात, मीठा बात बोलता है, सन्हा वाचा। मीठा बात मतलब जो छोटा बच्चा लोग बोलते हैं वही नहीं, सबसे मीठा बात है भगवान बुद्ध की ज्ञान। अगर जो कोई भगवान बुद्ध की ज्ञान के बारे में बात करेगा तो संसार में सबसे मीठा बात वही है। इसके बाद मन्ता वाचा, मन्ता वाचा मतलब ज्ञान बढ़ाने वाला बात बात करते रहता है। अच्छे से समझ लीजिए, सोच लीजिए, इस समाज में ये वाणी है क्या? समाज में मिथ्या वाचा है, लेकिन जिसके पास सम्मादिट्ठि है वे लोग धर्म की बात हमेशा करता है। अगर धर्म की बात करना शुरू किया तो जो मिथ्या दृष्टिक लोग बोलता है हाँ बस बस तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो, ऐसा बोलता है। अगर आलतू पालतू बात मजाक कॉमेडी बोलना शुरू किया तो बहुत जोर से हंसते हंसते ताली मार मार के झुक के हंसते हंसते कमाल की खुशी आनंद लेता है। ऐसे है ना संसार के लोग। लेकिन सम्मा वाचा बोलने गया तो ऐसा नहीं बोलता है, ओ छोड़ दो वो बात, या कुछ देर के बाद झुकनी शुरुआत होता है। क्यों ऐसे नहीं है तो चुपे चुपे उठ के चल जाता है ज्ञान की बात बोलते समय। क्यों? क्योंकि सम्मादिट्ठि नहीं है। सम्मादिट्ठि चाहिए सम्मा वाचा में आने के लिए। जिसके पास सम्मादिट्ठि है उन्हीं को धर्म की बात सुनाई दे दिया तो बहुत खुशी मन से सुनता है। धर्म की बात सुनाई दे दिया तो धर्म की चर्चा हो गया तो बहुत अच्छा से, अरे कितना अच्छा है, हमको ज्ञान सुनाई देता है, इसी रास्ता है सारे गंदगी को मिटा के और पुण्य बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से ही, इसी रास्ता से ही कुशल बढ़ा सकता है। ऐसे करके खुशी मन से वो ध्यान देता है। ऐसे तो आप लोग याद रखिए, ये वचन, ये वाणी अच्छा रास्ता पे चल गया तो बहुत ही अच्छा है, तथा बुराई रास्ता पे गया तो बहुत ही डेंजरस, खतरनाक है। वाणी से करने वाले सबसे खतरनाक पाप पे संघ भेद, यानी कि आर्य महासंघ को भेद करना। ये भेद गृहस्थ लोग को नहीं कर सकता है, और कोई आर्य महासंघ में जो है उसी नाम से वही लोगों को ही कर सकता है। अगर दूसरे लोग भेद किया तो साधु संत को एक कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। तथा इसके बाद एक बंते जी भगवान बुद्ध जी से पूछा, ऐसे है तो वाणी से करने वाले सबसे अच्छा पुण्य क्या है? वो क्या है जो अलग हो गया, विदा हो गया हुआ आर्य महासंघ अगर मिला दिया तो बहुत बड़ा पुण्य है। अगर आपको भी अपना परिवार में या दोस्तों में कोई अलग हो गया तो, विदा हो गया तो मिला दीजिए, बहुत पुण्य मिलता है, वाणी का पुण्य है। ऐसे है तो हम लोगों का ये वाणी सही ढंग से नहीं संभाल लिया तो हानि बहुत होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, दूसरों को परेशान होता है। भगवान बुद्ध ने बताया अगर किसी के पास जा करके बात करना है तो धर्म बात करिए, ज्ञान के बारे में बात करिए। अगर ऐसा बात नहीं होगा तो चुप से रहिए, अलतू पलतू बात करने मत जाइए। क्योंकि अलतू पलतू बात करने गया तो पता नहीं चलता है, मन पतन हो जाता है। ये शरीर को शांत करना आसान है, या किसी को
प्राणियों को हत्या करने से बचना, चोरी करने से बचना, व्यभिचार करने से बचना आसान, जिसके पास होश है, ध्यान है, उन्हीं को कर सकता है। लेकिन ये वाणी, सही वाणी को खोजना मुश्किल, क्योंकि हमेशा लोग बात करते 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 रहता है, पता नहीं चलते बात से कहाँ जाता है, कहाँ से शुरुआत होता है, पता नहीं कहाँ चल जाता है। इसलिए अगर गलत रास्ता पे गया तो उसी वाणी से पाप मिल जाता है। कोई कोई लोग ये अच्छी बात करना शुरू कर देता है, अच्छी बात करते करते चुगली करके खत्म कर देता है। यह होता नहीं है क्या? बहुत होता है। या किसी को बदनाम करके खत्म कर देता है। ऐसे हैं तो ये वाणी के बारे में अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत पाप मिलता है। ऐसे हैं तो समाधि में आकर के मिथ्या वाचा को, मिथ्या वाणी को हटाना चाहिए। ऐसे तो समझ लीजिए, हम लोगों को ये ज्ञान की बात अभी सुनाई देता है, बात कर सकता है, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ मौका है। आप लोग अभी तक कितना शब्द बताया होगा अपना जीवन में? बहुत बताया होगा। इसी शब्द अलग अलग किया तो ये मेरा जीवन में अच्छा शब्द बताया, ये अलग, ये बुरा शब्द बताया, ऐसे करके आपका जीवन जितना बात किया वो सारे बात अच्छा और बुराई बात तोल दिया तो कौन सा साइड गिर जाएगा? एकदम भर जाएगा बुराई शब्द में, आलतू पालतू, गारी, चुगली, मजा, कॉमेडी, व्यर्थ, झूठ, यही ही भर जाता है बहुत सारे लोग का जीवन में। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया ये सम्मा वाचा अपनाने के लिए अच्छा रास्ता है, जो जरूरी है वही सिर्फ बात करना चाहिए, कम बात करना चाहिए, जो जरूरी नहीं है वो नहीं बात करिए। जुट्टो मुट्टो क्यों बात करेंगे, वो भी बहुत मुश्किल है, हमें समझ में आता है। अगर आपको इसी समय आप धर्म उपदेश सुनता है, आपको 5-10 मिनट आराम करने के लिए दे दिया तो कोई जगह पे आकर के सभी लोग को तुरंत कुछ 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 जैसा, कुछ कुछ या जैसा आवाज आ जाएगा इधर उधर से। क्यों? होश नहीं है, बेहोश में है लोग, ध्यान में नहीं है। होश में जितना ही आ जाता है उतना ही आपको ये सम्मा वाचा बढ़ जाता है, अच्छी बात हो जाता है। नहीं तो लोग सोचता है अभी तुरंत हम क्या करें, बिना बात करके नहीं रह सकता है, ऐसे सोचता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान है वे लोग सम्मा वाचा से युक्त होते हैं, सम्मादिठ में आकर के सम्मा वाचा को अपनाता है, मिथ्या वाचा को दूर करने के लिए कोशिश करता है। ऐसा मेहनत करके मिथ्या वाचा को दूर करके सम्मा वाचा में मन को लगा के रहने के लिए उस व्यक्ति होश में आ जाता है। कैसे? ये जानता है अब मैं सम्मा वाचा में हूं, क्योंकि ये भगवान बुद्ध की रास्ता बेहोश से जाने का रास्ता नहीं है। अच्छे से समझ में आता है हम अभी कहां है। देखिए, और इस संसार में इतना ही ये वाणी को अलग प्रकार, अलग अलग प्रकार से समझाया है, कोई नहीं, सिर्फ भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध के शिष्य लोग। तो उन लोग कितना मीठा, कितना प्यार के शब्द बताए होंगे। भगवान बुद्ध अपना मुक्ति प्राप्त करके जो 45 साल तक बिताए जीवन में, एक फालतू शब्द नहीं बताए, आश्चर्य है। हर एक शब्द पारिशुद्ध है, निर्मल है। आपको ये सुनाई देता है भगवान बुद्ध की ज्ञान? एक भी शब्द है क्या? एक भी शब्द नहीं है। भगवान बुद्ध बताए सम्मादिट्ठि में आकर के
सम्मा वायाम मतलब वीर्य करके वो होश में आके मिथ्या वाचा संपूर्ण रूप से हटा देता है, पारिशुद्ध होता है। इसके बाद उन्होंने बताए सम्मा वाचा अपनाने के लिए कितना कारण होना चाहिए, तीन, हमेशा तीन साथ में है, वो क्या है, सम्मादिट्ठि यानी कि ज्ञान, सम्मा वायाम यानी कि वीर्य, सम्मा सति यानी कि होश या ध्यान। ये सब हमें अभी प्रयास कर सकता है कि नहीं, प्रयास कर सकता है। अगर बूढ़ा हो गया तब भी ये ज्ञान समझ में आ गया तो प्रयास कर सकता है, नहीं तो ये ज्ञान समझ में नहीं आ गया तो सभी लोग फालतू मर जाते हैं। भगवान बुद्ध बताएं सम्मा दिट्ठि जिसके पास है उसको और एक अंग है, वो क्या है, सम्मा कम्मन्त। सम्मा कम्मन्त को वो पहचानता है, सम्मा कम्मन्त भी पहचानता है, मिथ्या कम्मन्त को भी पहचान लेता है। कम्मन्त मतलब शरीर से जो करने वाली क्रिया, उसका मिथ्या क्रिया भी होता है, दूसरों को घाटा परेशान दुख तकलीफ होने वाले, वो क्या है, मिथ्या क्रिया, मिथ्या कम्मन्त, हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये मिथ्या क्रिया है। ये सब कुछ किस कारण से शुरू होता है, मिथ्या दृष्टि से। जो मिथ्या दृष्टि है वे लोग हत्या करता है, जो मिथ्या दृष्टि वाले लोग हैं वे लोग चोरी करते हैं, जो मिथ्या दृष्टि है वे लोग व्यभिचार करते हैं, ऐसे हैं। तो सम्मादिट्ठि में लोग लगा दिया तो काम ठीक हो जाएगा, मिथ्या से वो बच जाएगा। देखिए कोई कोई लोग बोलता है हम शाकाहारी हैं, हम कभी मांस मछली छूता तक नहीं, ऐसा बोलने वाले लोग कीड़ा को मारने के लिए दवा लगाता है खेत में, दूसरों को गारी देता है, डांटता है, क्रोध करता है, दूसरों को पीड़ा करता है, लेकिन बोलता है हम शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। देखिए बोलता है कुछ करता है और कुछ, समझता ही नहीं, ये संसार की बात है, आप भी जानते होंगे। लेकिन लोग हमेशा कहते हैं ऐसा, इसका मतलब क्या है, सभी लोग दो हाथ के बारे में बात करता है, दो पैर के बारे में बात करता है, पेट के बारे में बात करता है, लेकिन सिर को छोड़ा के, सिर क्या है, सम्मादिट्ठि। सिर को चुड़ा के लोग कहता है हाथ पैर ऐसे लगा लो, पेट को ये डाल दो, तो ये सब करने के लिए क्या चाहिए, दिमाग होना चाहिए, सिर होना चाहिए। बिना सम्मादिट्ठि से बाकी कुछ भी नहीं बढ़ पाएगा। भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती में एक भंते जी थे, वो भंते जी मणि को काटने वाले मिस्त्री का घर पे रोज भोजन के लिए जाते थे, वो अरहंत थे, वो भंते जी सारे दुख से मुक्त हुए थे। एक दिन क्या हुआ, ये अरहंत भंते जी जो आए हैं उसी समय जो मणि को काटने वाले मिस्त्री जी का घर पे मांस आ गया, सोचा अभी हमारा घर में अरहंत भंते जी आ गए हैं, जल्दी ये मांस को बना के दूंगा, ऐसे सोच के मांस को काटा, काट उसी घर में पाला पोसा एक छोटा जात का गिद्ध। उसी समय एक आदमी ने एक मणि लाया अच्छा से काट के उसको फ्रेश करने के लिए, ये आदमी ने क्या किया, हाथ में खून है, उसी खून के हाथ से वो मणि को लेकर के अलग जगह रख दिया, मांस को काटने लगा। लेकिन वो छोटा गिद्ध ने क्या किया, मणि को देख लिया, समझ गया ये मांस है, तुरंत निकाल दिया, खा लिया। इसके बाद देखा हाथ उत साफ करके मणि को देखने गया, मणि नहीं है, लेकिन वो गिद्ध ने मणि को खाता है वो अरहंत भंते जी ने देखा, तुरंत वो आदमी डर गया, हड़बड़ा गया, सोचा जरूर ये भंते जी ये मणि को चुराया है,
पूछा भांति जी उधर एक मानिता कहाँ है? वो भांति जी चुप हो गया, कुछ बताया नहीं। अगर बताया तो गिद्ध को मारेगा। इसके बाद फिर बताया, आग टेढ़ा करके गुस्सा मन से, कहाँ है मानी? फिर वो भांति जी चुप हो गया। फिर पूछा, भांति जी बता दो कहाँ है वो मानी? फिर वो भांति चुप हो गया। देखिए अरहंत लोग प्राणियों को हत्या करने से दूर हो जाते हैं। अपना जान गया था भी दूसरों को जान जाने के लिए कुछ बोलता नहीं है, अहिंसा है। अब समझ में आता है भगवान बुद्ध की रास्ता प्योर शुद्ध है, पारिशुद्ध है, निर्मल है। वो मिस्त्री जी अभी सुनता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है। बताया, ठीक है मैं जानता हूं तुम्हारा मुंह खोलने का तरीका। इसके बाद ऐसे करके एक बहुत बड़ा रस्सी ले करके भांति जी का सिर पे बांध दिया, बांध के दो तरफ खींच लिया। जोर से खींचने से नाक से खून फेंका गया। खून फेंकने के बाद वो गिद्ध ने आकर के वो नाक से गिर गया खून को खाने के लिए ओट लगा दिया। लगाने के बाद क्या हुआ, पैर से मार दिया गिद्ध को, कस के मार दिया। मारने के बाद वो मिस्त्री जी ने मारा, मारने के बाद वो गिद्ध मर गया। भांति जी पूछा, वो गिद्ध मर गया क्या? वो पूछा, तुमको क्या? नहीं नहीं देखियो तो मर गया क्या? इसके बाद हाँ वो मर गया, उसका पेट फाड़ दीजिए। तो मैं देखा वो मानी को निगलता। अंत में गिद्ध का पेट फाड़ते समय मानी निकल गया। देखिए सील पालन कैसे करता है, इसी को कहता है प्राणियों को हत्या करने से दूर हो जाता है। इसके बाद वो मिस्त्री जी मरने के बाद नरक में चल गया। अगर प्राणियों को हत्या करना संपूर्ण रूप से मन से मिटा दिया तो चोरी करने वाले गंदगी का जड़ मन से हटा दिया तो व्यभिचार करने का मन की गंदगी का जड़ मन से हटा दिया तो मिथ्या कर्मांत खत्म हो गया तो वो सम्मा कर्मांत में आ सकता है। मिथ्या कर्मांत मिथ्या क्रिया को नष्ट करने के लिए सम्मा दिट्ठि में आकर के मेहनत करना पड़ता है, वीर्य करना पड़ता है। वीर्य करने से उसका उसको कभी भी अवबोध हो जाता है, मेरे पास मिथ्या संकल्प अभी नहीं है, मेरा मन अभी सम्मा कर्मांत में है। ऐसे होने के बाद सम्मा साथी में मन लग जाता है, होश में आ जाता है। तो वो तीन कारण हमेशा साथ में है, सम्मा दिट्ठि यानी कि प्रज्ञा, सम्मा वायाम यानी कि वीर्य, सम्मा साथी यानी कि होश या ध्यान। भगवान बुद्ध बताया जिसके पास सम्मा दिट्ठि है सिर्फ वही जानता है ये है सम्मा आजीव, ये है मिथ्या आजीव, नहीं तो नहीं जानता। इस संसार में सबसे ज्यादा क्या है, सम्मा दिट्ठि का बात नहीं है। सम्मा दिट्ठि पाने के लिए कोई बोलता भी नहीं है। सम्मा दिट्ठि में आने के लिए बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाना एकदम जरूरी है। भगवान बुद्ध के शासन में शरण जाना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध के शासन में ही धर्म को संपूर्ण रूप से जानने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। ऐसे हो गया तो सम्मा दिट्ठि को प्राप्त होता है। मिथ्या आजीव को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध बताया कैसे। लोग तराजू से तोलता है, कैसा चोरी तोलता है, दंडी मारता है, लूटता है दूसरों से, ठगता है दूसरों से, दूसरों से लूटने के लिए झूठ मूठ फायदा एवं झूठ मूठ खर्च लिख के देता है, तथा चोरी से हस्ताक्षर देता है। कोई कोई लोग चावल में पत्थर डालता है, कोई कोई लोग अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए रंग डालता है,
या वजन बढ़ाने के लिए और कुछ डालता है। कोई कोई लोग जो डेट एक्सपायर चीज को फिर बेचता है, ऐसा गलत ढंग से व्यापार करना। ये सभी लोग कहां जाएगा मरने के बाद? स्वर्ग में जाएंगे, खाबी नहीं नरक में जाएंगे। एक दुकानदार बहुत सालों तक चावल में पत्थर डाल दिया, अंत में वो ध्यान करने गया, ध्यान नहीं कर पाया, ये चावल में पत्थर डाल दिया वही याद आ गया, बालू डाल दिया वही याद आ गया। लेकिन वो बहुत मेहनत किया तो नष्ट कर सकता था वो जो विचार, फिर भी मुश्किल हुआ। क्यों? क्योंकि सम्मादिट्ठि नहीं, सम्मादिट्ठि नहीं है तो छोटा छोटा पाप को भी मिटाना मुश्किल होता है। और लोग फुलाता है, फायदा उठाने के लिए दूसरों को फुलाता है, कैसे हैं आप, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छा सुंदर हैं, आपका आँख सुंदर है, गोरे हो गए हैं, ऐसे करके फुलाता है फायदा उठाने के लिए। ये सब मिथ्या आजीव है। मिथ्या आजीव तो बहुत सारे जगह पे हैं, बहुत सारे लोगों के पास है। ऐसे हैं तो ये सम्मादिट्ठि जिसके पास है वो मिथ्या आजीव को पहचानता है, पहचान के वो पहचानता है सम्मा आजीव ये है और मिथ्या आजीव ये है। कौन पहचानता है? मिथ्या सम्मादिट्ठि में जो है वो मिथ्या आजीव तथा सम्मा आजीव को पहचान के सम्मा आजीव अपनाता है, मिथ्या आजीव को हटा देता है, नष्ट कर देता है, पारिशुद्ध होता है। भगवान बुद्ध के समय में अरहंत सारिपुत्र बांते जी को एक दिन पेट का दर्द आ गया। उस समय अरहंत मुगलन बांते जी ने पूछा, आपको हमको याद है गृहस्थ समय में भी ऐसा पेट का दर्द आ गया? बताया, हाँ हाँ सही है, मुझे चीवर पहनने के पहले भी ऐसा पेट का दर्द आ गया। उसी समय मेरी माँ मुझे ऐसा ऐसा चीज डाल के पीने के लिए कुछ बना के देता है, वो पीने से तुरंत ठीक होता है। इसके बाद मुगलन बंते जी ने बताया, आप तो बहुत पुण्यवान हैं, आपको पुण्य है तो मिल जाएगा। ये बात सुन के रहा एक देवता। देवता ने क्या किया, बगल में एक सेठ जी का महल था, उसी सेठ जी का महल में छोटा सेठ जी का बेटी का शरीर में घुस गया देवता। घुसने के बाद वो सेठ कुमार तुरंत गिर पड़ा। इसके बाद सिर हिला हिला के बोलने लगा, बताया जल्द लिख लो कुछ कागज लेके, ये इधर औषध का जात है, जल्द जा करके ये औषध डाल के एक जूस बना के उधर एक कुटिया में एक भंते जी हैं जा करके दे दो, ऐसे है तो हम इसको छोड़ के चल जाएंगे, ऐसे करके वो बताया एक असुर। दूसरे दिन सुबह सुबह घर के लोग वो औषध बना के मुगलान बांते जी के पास ले गया, मुगलान बांते जी को दे दिया। देने के बाद तुरंत मुगलान बांते जी का मन में आ गया, सही में कल हम लोग बातचीत किया तुरंत मिल गया। सारपुत्र बांते जी को ले जाकर के पूजा किया। देखिए सारपुत्र बांते जी का प्रज्ञा की तरीका। सारपुत्र बांते जी ने सोचा, कौन ये सुनते रहा, कल हम बताया कोई सुना है क्या, सिर्फ हम दोनों थे, कौन ये जान गया? इसके बाद समझ गया जरूर कोई असुर को ये सुना होगा, तुरंत मुझे मदद करने के लिए किसको हिंसा किया होगा। ऐसे सोच करके बताया, मुगलन बांते जी मुझे ये नहीं चाहिए, ये फेंक दीजिए। अरहंत मुगलन बांते जी कुछ भी नहीं बोला, तुरंत फेंक दिया, फेंक के पात्र को रख दिया। जिस समय फेंक दिया उसी समय तुरंत पूरा पेट का दर्द सब खत्म हो गया, फिर मृत्यु तक कभी पेट का दर्द आया तक नहीं। देखिए सम्मा आजीव कैसा है,
अरहंत बनते लोगों का जीवन में ऐसा पारिशुद्ध जीवन आपको कहां मिलेगा? अरहंत लोगों के पास ही है ऐसा जीवन। और कौन ये लोभ क्रोध मोह माया डर भय को कौन खत्म कर सकता है? मिथ्या आजीव को पहचानना मुश्किल है। कोई कोई साधु संत लोग, कोई कोई बाबा लोग, कोई कोई धर्म के लोग भी अपना जीवन को ले जाने के लिए, पेट को पालने पोसने के लिए, अपना फायदा के लिए दूसरों को झूठ मूठ में फंसा देता है, झूठ बोल के कमाता है। ये सब मिथ्या आजीव है। ऐसे तो समझ लीजिए ये सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन, सम्मा आजीव, ये चार कारण होता है तीन कारण की मदद से। वो क्या है? सम्मादिट्ठि यानि कि प्रज्ञा, सम्मा वायाम यानि कि वीर्य, सम्मा सति यानि कि होश तथा ध्यान। ऐसे होने के कारण बढ़ता है सम्मा समाधि। तो मिथ्या आजीव के बारे में हम आपको बताएं, सम्मा आजीव मतलब किसी से ठगता लूटता नहीं है। अगर बिजनेस करने वाला है तो साधारण बिजनेस करता है, और चावल में पत्थर डालना और दाल में पत्थर डालना, मिट्टी डालना, ऐसा कुछ बात नहीं। धार्मिक जैसा जीवन बिताता है, झूठ बोल के दूसरों से ठगता लूटता नहीं है। सम्मा आजीव देखिए कितना सुंदर है। ये इस संसार में भगवान बुद्ध को बिना ऐसा बात किसी को कह सकता है क्या? सोच भी नहीं सकता। इसी प्रकार से गंदगी को, क्लेश को, अकुशल को, पाप को मिटा सकता है, कुशल पुण्य को बढ़ा सकता है। इसमें भगवान बुद्ध साफ साफ मिथ्या संकल्प को दिखाया, सम्मा संकल्प को समझाया, मिथ्या वाचा के बारे में समझाया, सम्मा वाचा के बारे में समझाया, मिथ्या कमंत के बारे में समझाया, सम्मा कमंत के बारे में समझाया, मिथ्या आजीव के बारे में समझाया, सम्मा आजीव के बारे में समझाया। इस संसार में ऐसा ज्ञान आप कहीं कभी सुने हैं? इतना ही पारिशुद्ध ज्ञान भगवान बुद्ध के पास है, इतना ही पारिशुद्ध आर्य रास्ता और कहीं नहीं है। ऐसा भगवान बुद्ध दिखाया। सम्मादिट्ठि जिसके पास है, ये सब बिना सम्मा वायाम मत यानी कि वीर्य, बिना वीर्य से, बिना होश में ये कुछ भी नहीं कर सकता है। बिना वीर्य से, बिना होश से, बिना ज्ञान से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ऐसे ही तो ये मुक्ति, ये विमुक्ति प्रार्थना करके नहीं ले सकता है, आशा करके नहीं ले सकता है, अपने से बढ़ा के ही प्राप्त करना पड़ता है। अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है तो कर सकता है, लेकिन ये तीन अंग चाहिए, सम्मादिट्ठि, सम्मा वायाम, सम्मा सति। अगर हम लोग का जीवन में अच्छा प्लानिंग बना दिया तो हम लोग को बच सकता है, हम लोग को धर्म की रास्ता पे जीवन बढ़ा सकता है। भगवान बुद्ध ने बताया जिसके पास सम्मादिट्ठि है, जो सम्मादिट्ठि को अपनाया है उसको सम्मादिट्ठि अपना सकता है, सम्मा संकल्प जिसके पास है उसी को सम्मा वाचा को अपना सकता है, जिसके पास सम्मा वाचा है उसको सम्मा कामांत अपना सकता है, जिसको सम्मा कामांत है उसको सम्मा आजीव अपना सकता है, जिसके पास सम्मा आजीव है उसको सम्मा वायाम अपना सकता है, जिसके पास सम्मा वायाम है उसको सम्मा साथी को अपना सकता है, जिसके पास सम्मा साथी है उसी को सम्मा समाधि मिल जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया जिसके पास सम्मा समाधि है उन्हीं को सम्मा ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसके पास सम्मा ज्ञान है उन्हीं को ही सम्मा विमुक्ति उत्पन्न होता है।
सम्मा ज्ञान मतलब क्या है? सत्य ज्ञान, कृत्य ज्ञान, कृतज्ञान। सत्य ज्ञान मतलब चार आर्य सत्य के बारे में जो आता है वही ज्ञान को कहता है सत्य ज्ञान। कृत्य ज्ञान मतलब ये चार आर्य सत्य से जो कुछ करना है वो करना कृत्य ज्ञान है। यानी कि दुख क्या करना चाहिए, दुख को अवबोध करना चाहिए। इसके बाद दुख का कारण क्या है, तृष्णा, तृष्णा को मिटाना चाहिए। इसके बाद तीसरा दुख का निरोध को प्राप्त करना चाहिए, परिपूर्ण करना चाहिए। चौथा मार्ग, आरिष्टांगिक मार्ग को प्रयास करना चाहिए। यही है कृत्य ज्ञान। ये धर्म की रास्ता पे जा करके दुख अवबोध हो गया, वो अगर दुख अवबोध हो गया तो संपूर्ण रूप से दुख से मुक्त हो गया तो वो कृतज्ञान, कृतज्ञान यानी कि सब कुछ प्राप्त हो चुका है। यानी कि दुख अवबोध हो चुका है, दुख का कारण नष्ट हो चुका है, दुख का निरोध प्राप्त कर चुका है, रास्ता संपूर्ण हो चुका है। ये है सम्मा ज्ञान। इसके बाद सम्मा विमुक्ति। सम्मा विमुक्ति मतलब अरहत्व को कहता है सम्मा विमुक्ति। भगवान बुद्ध ने बताया अकुप्पा चेतो विमुक्ति। अकुप्पा मतलब किसी भी प्रकार से उसी विमुक्ति बदलता नहीं है, हिलता डोलता नहीं है। उस विमुक्ति संसार में किसी को बदला नहीं सकता है। यानी कि दुख से मुक्त हो गया तो हो गया, फिर कभी दुख में आ जाता नहीं है। जन्म से मुक्त हो चुका तो हो चुका, फिर जन्म में आ जाता नहीं है। आर्यष्टांगिक मार्ग संपूर्ण हो चुका तो हो चुका। यही है सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति, दोनों से यही मिल जाता है। तो भगवान बुद्ध ने बताया इतिखो भिक्खवे अठंग समन्नागतो सेखो। ये आठ कारण से सेक होता है। सेक मतलब सेक यानी कि प्रयास करने वाला, त्रिशिक्षा में प्रयास करने वाला। त्रिशिक्षा मतलब सील, समाधि, प्रज्ञा। ये तीन तीन कारण पे प्रयास करने वाला को सेक कहता है। सोतापन्न होने के लिए मेहनत करता है, सकदागामी होने के लिए मेहनत करता है, अनागामी होने के लिए मेहनत करता है, अरहत्व को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, वो सेक है। ये मार्ग संपूर्ण रूप से परिपूर्ण होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद उन्हीं को कहता है असेक। असेक मतलब फिर प्रयास करने का कुछ नहीं है। असेक लोगों के पास 10 अंग हैं, सेक लोगों के पास 8 अंग हैं, असेक लोगों के पास 10 अंग। क्या है? सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये 8 और सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति। ये 10 चार प्रकार से विस्तार किया भगवान बुद्ध। सम्मादिट्ठि कैसा? सम्मादिट्ठि किसी के पास उत्पन्न होता है। इसके बाद वो सम्मादिट्ठि लेकर के मिथ्या दृष्टि को मिटा देता है। जितना मिथ्या दृष्टि के कारण उत्पन्न होता है वो सारे पाप को मिटा देता है। तीसरा, चौथा, सम्मादिट्ठि के कारण जितना पुण्य बढ़ाना है वो सारे पुण्य को बढ़ाता है। इसके बाद सम्मा संकल्प चार प्रकार का है। वो क्या है? सम्मा संकल्प अपनाता है, अपना के दूसरा मिथ्या संकल्प नष्ट कर देता है। तीसरा, मिथ्या संकल्प के कारण जितना पाप होने वाला था वो सब खत्म कर देता है। चौथा, सम्मा संकल्प के कारण जितना पुण्य होने वाला था वो सब आगे बढ़ाता है।
पुण्य को कुशल कहता है, पाप को अकुशल कहता है। इसी वा सम्मा वाचा भी चार प्रकार का है। सम्मा वाचा अपनाता है, मिथ्या वाचा को दूर कर देता है। तीसरा, मिथ्या वाचा के कारण जितना अकुशल होने वाला था वो सब हटा देता है, मिटा देता है। सम्मा वाचा के कारण जितना कुशल धर्म होने वाला है सब बढ़ा देता है। सम्मा कामांत चार प्रकार का है। वो क्या है? सम्मा कामांत अपनाता है, मिथ्या कामांत को नष्ट करता है। मिथ्या कामांत के कारण जितना अकुशल पाप होने वाला था वो सब नष्ट करता है। सम्मा कामांत के कारण जितना कुशल पुण्य होने वाला है वो सब बढ़ा देता है। इसके बाद सम्मा आजीव चार प्रकार का। सम्मा आजीव को अपनाता है, मिथ्या आजीव को मिटाता है। मिथ्या आजीव के कारण जितना होने वाला था अकुशल वो सब प्रहान करता है, नष्ट करता है। सम्मा आजीव के कारण जितना पुण्य और कुशल है वो सब बढ़ा देता है। इसके बाद सम्मा वायाम चार प्रकार का है। सम्मा वायाम अपनाता है, सम्मा मिथ्या वायाम दूर कर देता है। मिथ्या वायाम के कारण जितना पाप होने वाला था, कुशल होने वाला था वो सब मिटा देता है। सम्मा वायाम के कारण जितना पुण्य कुशल बढ़ाना है वो सब बढ़ा देता है। इसके बाद सम्मा सती भी चार प्रकार का है। सम्मा सती अपनाता है, मिथ्या सती दूर कर देता है। सती मतलब स्मृति, होश, ध्यान। मिथ्या सती के कारण, मिथ्या मतलब गलत, मिथ्या सती के कारण जितना पाप होने वाला था, कुशल होने वाला था वो सब दूर कर देता है। सम्मा सती में आके सम्मा सती के कारण जितना पुण्य और कुशल है वो सब बढ़ा देता है। सम्मा समाधि चार प्रकार का है। वो क्या है? सम्मा समाधि अपनाता है, मिथ्या समाधि को दूर करता है। ये मिथ्या समाधि मतलब क्या है? गलत ढंग से विचार करना। देखिए, टीवी देखते रहता है, टीवी देखते रहते समय टीवी में ध्यान लग जाता है। अगर कोई दोस्त आ गया तो, कोई चोर आके लूट के गया तो, खाने वाला लूट के गया तो, कोई पता कुछ पता नहीं, क्रिकेट मैच देखते रहता है, घर का सब चोरी करके गया था भी पता नहीं, उसी समय मन ध्यान में था, लेकिन वो मिथ्या ध्यान है। मतलब उसी ध्यान में पाप मिलता है। इसके बाद जितना मिथ्या समाधि से पाप मिलता है ना, उसी मिथ्या समाधि के कारण जितना पाप होता है, अकुशल होता है, वो सब मिटा देता है। सम्मा समाधि मतलब क्या है? सम्मा समाधि मतलब जो भगवान बुद्ध अपना मन को एकाग्र करने के लिए बताया, उसी प्रकार से ध्यान साधना करके मन को एकाग्र करना। उसी सम्मा समाधि को अपना के सम्मा समाधि के कारण जितना पुण्य बढ़ाना है वो सब बढ़ा देता है। इसके बाद सम्मा ज्ञान भी चार प्रकार का है। सम्मा ज्ञान में आ जाता है, मिथ्या ज्ञान मिटा देता है। मिथ्या ज्ञान मतलब अभी वर्तमान में विज्ञान कहता है ना, ये सब मिथ्या ज्ञान है। इस संसार में विज्ञान के कारण कोई कल्याण हुआ क्या? टीवी दे दिया, मोबाइल दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, उसी कारण आदमी लोग का मन की गंदगी मिट गया या बढ़ गया? बढ़ गया। विज्ञान ने जो कुछ साइंटिस्ट लोग मिल करके हमें दे दिया वो सारी चीज से गंदगी ही बढ़ गया। तो ये सब क्या है? मिथ्या ज्ञान। विज्ञान मिथ्या ज्ञान है। हम लोग कुछ सुख सुविधा है लेकिन कष्ट पीड़ा कम हो गया क्या? बढ़ गया। ये सब मिथ्या ज्ञान है। भगवान बुद्ध ने बताया सम्मा ज्ञान में जो आया वो मिथ्या ज्ञान को दूर कर देता है। मिथ्या ज्ञान के कारण जितना पाप होने वाला तो वो सब पाप को मिटा देता है। ये मिथ्या ज्ञान बहुत ही खतरनाक है। एक समय एक माँ को
एक बच्चा मिला, वो बच्चा मर गया, इसके पास मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, इसी किसी कारण ज्योत इसको देखने गया, उधर से बताया ये बच्चा को कोई ग्रह का कोई दृष्टि है, शनि का कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसे हुआ है। ऐसे करके लोग विश्वास करता है, लोग सोचता है कोई ग्रह का कोई प्रॉब्लम, लोग सोचता है जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कोई देखना नहीं चाहिए, या सूर्य ग्रहण के पहले खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए, ये सब मिथ्या ज्ञान है। और लोग सोचता है कोई कोई जो बिल्ली रास्ता काटना अच्छा नहीं है और कौवा चिल्लाना अच्छा नहीं है, अलग अलग प्रकार के लोग मतवाद हैं, मत वाले लोग हैं, ये सब मिथ्या ज्ञान है, ये सब चीज से पाप ही मिल जाता है। ये मिथ्या ज्ञान को दूर कर देता है सम्मा ज्ञान में आके, सम्मा ज्ञान में आने के बाद सारे पुण्य को बढ़ा सकता है। इसके बाद सम्मा विमुक्ति चार प्रकार का है, सम्मा विमुक्ति में जो आ जाता है आ करके वो मिथ्या विमुक्ति से मुक्त हो, मिथ्या विमुक्ति से मुक्त होता है। मिथ्या विमुक्ति मतलब क्या है, देखिए अभी आप लोग कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत में है, दिक्कत आने का सोचिए, अभी कोर्ट में कोई केस लड़ना है, उसी केस से आप जीत गया, जीतने के बाद तुरंत आपके मुंह से निकल जाएगा बाप रे मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया हूं, वो मिथ्या विमुक्ति है। सोचता है अभी सारे दिक्कत सब खत्म है, सारे दिक्कत से मुक्त हो गया हूं, वो मिथ्या विमुक्ति। लेकिन ये मिथ्या विमुक्ति भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि हिमालय में कोई कोई ऋषि लोग हैं, साधु लोग हैं, वो लोग जीवन भर मंत्र को बोलते रहता है, 1,00,000 बार बोल दिया तो इतना ऐसे हो जाता है, ऐसे लोग कहता है ब्रह्म लोक में जा सकता है, दुख से मुक्त हो सकता है 1,00,000 बार बोल दिया तो, ऐसा करके अलग अलग ढंग के लोग करता है। भारत में अभी कुंभ मेला है, 12 साल में एक बार होता है, उसी में लोग ज्योतिष लेकर के टाइम लेकर के 2 सप्ताह के पहले सब ढोलकी बजा के कुंभ मेला में साधु लोग, हजारों साधु लोग आ जाते हैं, आके भजन गाता है, कोई कोई लांटे में भजन गाते हैं, बहुत सारे 1,500, 500, 100 हजार के लोग मर जाते हैं। मरने के बाद परिवार के लोगों को खुशी है, क्योंकि गंगा जी उन लोग को विमुक्ति दे दिया, ऐसे लोग बोलता है, ये सब मिथ्या विमुक्ति है। अब समझ गया आप, ये बच गया, छोटा मोटा बचावट नहीं है। लोग कहता है गंगा जी में स्नान किया तो सारे पाप धोआ जाता है, मुक्ति मिल जाता है, टाइम पर हम लोग खाना बनाया तो मुक्ति मिल जाता है, ऐसा बहुत सारे भारत में, दृष्टि का देश ये भारत है। देखिए भगवान बुद्ध ने बताया इंसान का बुद्धि खोलने का रास्ता, अलग अलग दृष्टि में फंसने का रास्ता नहीं, भगवान बुद्ध ने समझाया सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मांत, सम्मा आजीव, सम्मा व्यायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि और सम्मा ज्ञान, सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति। ये 10 अंग संसार के किसी को मना नहीं कर सकता है, ये आर्य सत्य है, किसी को ये गलत नहीं कह सकता है। अगर कोई भी सम्मा दिट्ठि को इनकार किया तो उसी को सीधा कह सकता है आप गलत हैं। सभी लोग को सम्मा दृष्टि को प्रशंसित करना पड़ेगा, अगर जो सम्मा दिट्ठि को इनकार किया तो उसके पास सम्मा संकल्प नहीं, सम्मा संकल्प इनकार किया तो उसके पास मिथ्या संकल्प है, जो में सम्मा वाचा इनकार करता है उसके पास मिथ्या वाचा है, जो सम्मा कामंत इनकार करता है वो उसके पास मिथ्या कामंत है, जो सम्मा आजीव इनकार करता है, जो बोलता है
सील सुरक्षा करेगी, ध्यान साधना करेगी, ये कुछ नहीं कर सकता, उसके पास मिथ्या जीव है। जो सम्मा वायाम इनकार करता है उसके पास मिथ्या वायाम है, जो सम्मा समाधि इनकार करता है उसके पास मिथ्या समाधि है, जो सम्मा ज्ञान को इनकार करता है उसके पास मिथ्या ज्ञान है, जो सम्मा विमुक्ति को इनकार करता है उसके पास मिथ्या विमुक्ति उसके पास है। भगवान बुद्ध ने ये 10 प्रकार के कारण बताया। ऐसे हैं तो अब हमें समझ में आता है भगवान बुद्ध सारे देव मानव का गुरु क्यों हो गए, सारे देव मानव को इसी सारे दुख से मुक्त होने के लिए क्यों बताए। अच्छी तरह से समझ में आता है उनके ज्ञान के बारे में। इसलिए आप हम सभी लोगों को भगवान बुद्ध के सुंदर आर्य मार्ग अपना के सभी लोगों को सभी दुख से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।